कपकोट विकासखंड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाहौर में डॉक्टर, फार्मेसिस्ट व एएनएम की अनुपस्थिति से अस्पताल बंद हो गया है, जिस कारण क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांसी क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक गश्याल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएस रावत को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त किए गए डॉक्टर, फार्मेसिस्ट व एएनएम विगत लंबे समय से अनुपस्थित हैं, जिस कारण लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए कई किलोमीटर दूर कपकोट तहसील मुख्यालय जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र डॉक्टर व फार्मेसिस्ट सहित अन्य स्टाफ की तैनाती नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। इधर सीएमओ ने बताया कि पूर्व में तैनात डॉक्टर, फार्मेसिस्ट तथा एएनएम को नोटिस भेजा गया है। आज हमने एक एलोपैथी के यहाँ पर हॉस्पिटल है कपकोट में, लाहौर ग्राम सभा में पड़ता है, जो कि तीन ग्राम सभाओं को वहाँ पर उस स्वास्थ्य केंद्र में लाभान्वित होते हैं, जिसमें गांसी, मिकला, कलपट्टा और लाहौर तीन ग्राम सभा हैं। तो वहाँ पर जो फार्मेसिस्ट हैं और डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो हैं पिछले 2019 अक्टूबर से वहाँ पर अनुपस्थित चल रहे हैं और वहीं फार्मेसिस्ट जनवरी से अनुपस्थित चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर एक एएनएम सेंटर भी स्थापित है, जहाँ पर एएनएम क्या करती है, वो महीने के 2-3 दिन अपने कार्य क्षेत्र पर जाती है और बाकी के महीने वो वहाँ पर अनुपस्थित रहती है। इस संदर्भ में आज हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अगर हमारी मांगे जो हैं जल्दी से जल्दी पूर्ण नहीं होती है तो हम यहाँ पर तीनों ग्राम सभाओं के जो ग्रामीण हैं वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सीएमओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मेरे द्वारा इन पर कार्रवाई की जा रही है। मेरा ये मामला मेरे को अभी एक दो महीने पहले ही संज्ञान में आया है, इस तरफ की बात सीएमओ साहब ने हमसे की है, तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम इन पर उचित कार्रवाई करने के आश्वासन सीएमओ साहब ने हमें दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाहौर में जो वहाँ पर चिकित्सक है और फार्मासिस्ट है और स्टाफ नर्स की इंटरव्यू की कंप्लेन मेरे पास जो है पिछले 2-3 महीने से आई हुई है और कि वहाँ पर लोग नहीं रह रहे हैं, तो इस पर जो है मैंने लगातार मतलब हर महीने कार्रवाई की है और लिखित में भी कार्रवाई की है और वाइस हेल्थ अधिकारी जो कपकोट के हैं उनको भी मैंने इस पर नज़र रखने के कहा है और उनसे कहा कि अभी तनख्वाह रुकने के लिए उनको आविष कर दिया है लिखित में। साथ में मेरे द्वारा जो है उसके जो नज़दीकी उपकेंद्र के फार्मासिस्ट हैं सूपी के, उनको हफ्ते में 3 दिन वहाँ कार्य करने के लिए लिखित में आविष्कार दिया गया था और वो कुछ दिन वहाँ मुझे पता चला कुछ दिन वहाँ गए वैसे, उसके बाद फिर नहीं गए। उसके बाद मैंने मेरे द्वारा फिर से जो है एक हफ्ते पहले प्रवासी अधिकारी को कह दिया गया था, उनको जो दोबारा वहाँ भेजें और एनएम को भी वहाँ पर जो है उससे रहने के लिए कहा गया और जो चिकित्सक है उसके लिए भी मैंने जो है लिखित में कार्रवाई की है। प्रवासी साहब की तरफ से लिखित में आए थे, मेरे यहाँ से भी कार्रवाई की गई है और मैं लगातार नज़र में रखे हूँ और यहाँ तक कि मैं जो है जो फार्मासिस्ट है वो बार बार जो है उसने कुछ बहाना बना करके वहाँ जाने से कतरा रहा है और उस पर मैं अपने स्तर से तो कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में जो प्रशासनिक तौर से भी उसको जो है कार्रवाई करने की मेरी पूरी कोशिश है और मैंने वो लिखित में SDM कांटर जी को भी दे रखा है और बड़ी बात कर रखी है कि उसको जो है ढूंढे और ढूंढने के बाद जो है उसको वहाँ तक पहुँचाने की पहुँचाकर ड्यूटी में जो है तैनात करने की कोशिश है। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।